अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। दोस्तों, सीबा टेस्टिंग सर्विस एसटीएस आईबीए जिसकी जो है हमने टेस्ट दिए हैं आईबीए की 5 to 15 ग्रेड की, तो इसके हवाले से मैंने 2 दिन पहले भी जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें अपडेटेड चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आपको एक बताया था कि जॉब पोर्टल जो है वो सिंध गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, जिसके थ्रू जो आगे का प्रोसीजर होगा जॉब्स का, यानी जो भी जॉब्स आ रही हैं 5 to 15 ग्रेड तक या 1 to 4 तक, जो भी उसमें सारी चीज़ें होंगी वो एक ही जॉब पोर्टल पे होंगी, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकेंगे, जिसके थ्रू आपकी जो है रजिस्ट्रेशन होगी और जिसके थ्रू आप जो है वो आपका पूरा प्रोसीजर या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी होगी वो होगी, लेकिन वो लिंक होगा एसटीएस के साथ या सीबा टेस्टिंग सर्विस जो उनकी टेस्टिंग सर्विस है उसके साथ जॉब पोर्टल। तो जॉब पोर्टल की मैंने वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब जो है जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं अपडेटेड तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने अभी जो है सारे इदारे, इससे पहले भी ये था कि जो रिमेनिंग इदारे थे या काफ़ी सारे इदारे थे उनमें जो भी वैकेंट पोजीशंस थी जिस पे जो है कोई भी इस वक्त बंदा नहीं है, यानी वैकेंट पोजीशंस हैं, खाली जगह हैं, तो उनकी एक लिस्ट तलब की थी। अब वो जो लिस्ट है वो तलब करने के बाद अब ये था कि उस पे जो है लिस्ट पे काम करना था, यानी कि कहाँ पर जो है वो ऑलरेडी जो है वो एम्प्लॉइज़ जो है वो नहीं है या फिर कहाँ पर जो है रिप्लेस किया जा सकता है, तो इसको और भी अपडेट किया जा रहा है। अपडेट करने के साथ साथ जो है अभी कल की जो है न्यूज़ में ये था कि भाई वो जो इदारे रह गए, जिसमें 21 और इदारे हैं जिसमें जो है वैकेंट पोजीशंस हैं, कहीं पे 10 होंगी, कहीं पे 15 होंगी, 20 ये तो तादाद नहीं लिखी होगी, लेकिन जो 21 और इदारे हैं जैसे टेक्स्ट बुक बोर्ड हो गया या जो है काफ़ी सारे और जो इदारे हैं, तो उनकी जो है उन्होंने लिस्ट तलब की है, तो वहाँ से जो है और भी वैकेंट पोजिशन आएंगी। हो सकता है 10,000 और वैकेंट पोजिशन आ गया जाए, 20,000 और आ जाए, तो ये जो है पोजिशन अगर अवेलेबल होंगी हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी, जो कि ऑलरेडी जब जॉब की अनाउंसमेंट होगी तो उस जॉब पोर्टल पर लिखा होगा। मिसाल के तौर पर आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 25,000 वैकेंसीज आप अप्लाई कर सकेंगे, उसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड में इतनी वैकेंसीज जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज हैं, उसमें जूनियर क्लार्क है, सीनियर क्लार्क है, यानी इस तरह की जो वैकेंसीज होंगी वो उस जॉब पोर्टल पे आ जाएंगी। और ये जो अपडेट आ रही है तो ये मुझे तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रही है, क्योंकि जितना हमने वेट किया है 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 2 साल हमने इंतज़ार किया है, हमारा जो सर्टिफिकेट था एसटीएस का वो भी अभी जो है एक्सपायर हो चुका है, ऐसे ही समझें तो एक्सपायर होने के बाद, लेकिन ये है कि एसटीएस इसको अपडेट करेगा। जो भी वैकेंसीज इस वक्त होंगी एस्टीमेटेड तो काफ़ी सारी 1 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही हैं कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, जैसे न्यूज़पेपर में आ गया कि नई इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई जो वैकेंट पोजीशंस हैं उनकी हमें लिस्ट प्रोवाइड की जाए, गवर्नमेंट ने मांगी है, सिंध गवर्नमेंट ने कि उनकी लिस्ट दे दें, और उस लिस्ट के हवाले से जो है आईबीए को वो दी जाएगी, आईबीए इसी बार टेस्टिंग सर्विस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेगी। अब जो है जो वैकेंट पोजीशंस होंगी उनके लिए वो इतनी इतनी पोजीशंस अनाउंस करेंगे, और उसके अलावा एस्टीमेटेड को होता है ना, को पूरा एक सिस्टम होता है जिसके तहत जो है वो एस्टीमेटेड लगाया जा सकता है कि इतने कैंडिडेट्स पास होंगे, उसके अलावा जो है अगर इतने कैंडिडेट पास हो सकते हैं तो इतनी सारी वैकेंसीज हमारी जो है वो हो जाएंगी। तो ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपको दोबारा से दे दूँ, और जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है कि भाई अब वैकेंट पोजिशंस भी कलेक्ट होना शुरू हो गई हैं, जॉब पोर्टल भी बन रहा है, तो यानी 1-2 मंथ के अंदर बिल्कुल जो है हमारी जो उम्मीदें हैं वो और भी आयाँ हो रही हैं, और उम्मीदों के तहत हम जो जितना 2 साल गुजार चुके हैं तो और 2 महीने भी हम गुजार लेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो कोई अच्छी अपडेट होगी 2 महीनों के अंदर और ये जॉब्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो। 3, 2, 1